जयपुर के एक होटल में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक विजेंद्र मीना 3 दिन से होटल में रुका हुआ था और झालाना डूंगरी में फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग कर रहा था। उसको शुक्रवार को अलवर में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी ज्वाइन करनी थी। बुधवार सुबह युवक के बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस होटल पहुंची, हथौड़े से गेट को तोड़कर अंदर पहुंची तो फर्श पर लाश पड़ी मिली। मालवीय नगर थाना CI पूनम चौधरी ने बताया कि मृतक विजेंद्र मीना मूल रूप से सिकराय का रहने वाला था। मृतक को फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पर अलवर में ज्वाइन करना था। बुधवार सुबह 11 बजे जब होटल कर्मियों ने विजेंद्र मीना के कमरे का गेट खटखटाया, काफी आवाज देने पर भी गेट नहीं खुला। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। गेट नहीं खुलने पर होटल कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर आई और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। पुलिस जैसे ही अंदर घुसी तो विजेंद्र अर्धनग्न हालत में फर्श पर पड़ा मिला। साथ में शराब की बोतल भी मिली, खाना भी टेबल पर रखा था। पुलिस प्रथम दृष्टया मान रही है ज्यादा शराब पीने या फिर हार्ट अटैक आने की वजह से विजेंद्र मीना की मौत हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। परिजनों के पहुंचने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया। मालवीय नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुटी है। मालवीय नगर थाना CI पूनम चौधरी ने बताया कि युवक 3 दिन से इसी होटल में रुका हुआ था। उसके कुछ दोस्त भी उसके साथ थे जो रात को चले गए। सुबह होटल स्टाफ ने पुलिस को युवक के गेट नहीं खोलने की जानकारी दी तो टीम मौके पर पहुंची।